हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज का वीडियो रेडमी 6A के लिए है, जिसमें प्रॉब्लम है जो कि डेड है। और आप देख सकते हैं ये सेट गिरा हुआ सेट है, फेल डाउन है। और इसको चार्जिंग में यहां लगाने के बाद जो है कि यहां पे ये लाइट यहां पे जल रहा है, आप देख सकते हैं, शायद दिखता हो या मैं भी नहीं देखता, लेकिन लाइट यहाँ जल रहा है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा, ये डेड है। तो फ्रेंड्स, ये एक दुकानदार भाई का मोबाइल है, तो इसको सबसे पहले हम डिसेंबल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, फिर इसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, शॉर्टिंग देखेंगे या क्या इसमें दिक्कत है, उसको आगे देखते हैं। तो फटाफट इसको जल्दी से डिसेंबल कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का और एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन टाइम का कमी की वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी मेरी कि संडे टू संडे मैं वीडियो डाला करूं। तो समय का अभाव है। खैर, आज स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि हमारे एक्चुअल में इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों ऑन नहीं हो रहा सेट। छोटी सी कोशिश कि मैं समझा पाऊँ जितना मेरे से बन सके, और जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं समझा पाऊँ। फ्रेंड, सबसे पहले जो है हमें कैमरा वगैरह जो भी मदरबोर्ड में लगे हैं इसको निकाल देना है, ताकि ये ख़राब ना हो, ब्लर ना करें बाद में। तो आप देख सकते हैं बोर्ड का कंडीशन, इसमें ऑलरेडी काम हुआ है, ये सारे बकलाइन में काम हुए हैं। और इधर देखते हैं पावर सेक्शन क्या क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पावर सेक्शन पावर आईसी में भी जो है मेरे हिसाब से चेंज किया हुआ है, यहाँ पे हीटिंग भी है। खैर, तो ये हमारा मल्टीमीटर है और इसका देखते हैं शॉर्टिंग का क्या कंडीशन है। चलिए, ये ग्राउंड है, ये है मेरा ये टीवी 989 के आसपास, 90 यानी कि लगभग इसमें शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। ये मल्टीमीटर का मेरा बैटरी डाउन है, नहीं तो ये 1000+ में जाता है। ये बॉक लाइन हम चेक करेंगे फ्रेंड कि ये पावर आईसी हमारा ठीक ठाक है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक बक जो है हमारा ये वाला ग्राउंड बता रहा, ये ग्राउंड बता रहा। तो आई होप कि ये पावर आईसी का प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ये जो है ये वाला बक ग्राउंड बता रहा। तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा इसको चेंज करना, इस पावर आईसी को जो है चेंज करना, उसके बाद ही हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इसमें क्या होता है कि बंदे जो है सबसे पहले इसमें गोल गोल घूमने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें आई स्कैन भी कर लेना चाहिए। आई स्कैन इन द सेंस कि हमें बोर्ड को ध्यान से देखना है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने देख के ही आई सेंस के अनुसार ही आई स्कैन से ही हमने पता कर लिया कि ये पावर आईसी पे काम किया हुआ है या सीपीयू पे थोड़ा बहुत हीट है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अभी फ़िलहाल में ये बक जो है शर्ट बता रहा है। तो बक जो है हमारे सीपीयू के लिए होते हैं, क्लाइंट जो सीपीयू को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा सीपीयू वर्क करता है। तो ये शॉर्ट है, तो इसको सबसे पहले हम निकालेंगे, ये इस बक कॉइल को निकाल के देखते हैं कि हमारा सीपीयू का सेक्शन में शॉर्ट है
या फिर हमारे पावर सेक्शन में शॉर्ट है, क्योंकि ये पावर से जाता है सीपीयू में। तो अगर इसको निकाल देते हैं तो इधर शॉर्ट अगर बताता है इस लाइन में, तो फिर ये पावर का प्रॉब्लम है। अगर इधर होगा तो सीपीयू या हमारे जो भी ये कैपेसिटर वगैरह लगे हैं जो बक कॉइल बक लाइन में, इनके इनको भी ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। फ्रेंड मैं टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ 340, और हियर है हमारा 60 पे, और ये हमारा क्विक का 2008 SMD है। तो बहुत सारे भाई को ये लगता है कि भाई टेम्परेचर कितना यूज़ करना है, मैंने टेम्परेचर भी बता दिया। तो फाइनली मैंने जो है बक कॉइल जो शॉर्ट बता रहा था मैंने निकाल दिया है। तो आप देखेंगे ये सीपीयू का लाइन में 857 रीडिंग बता रहा है, लेकिन जो पावर आईसी में जा रहा है ये हमारा बी बता रहा है, यानी पावर आईसी हमें चेंज करना है। तो फ्रेंड अभी हमें सिंपली जो है पावर आईसी को चेंज करना है, क्योंकि ये बक कॉइल शॉर्ट बता रहा था। तो इस तरह कभी भी कोई भी पावर आईसी का बक कॉइल अगर शॉर्ट बता रहे हैं तो सबसे पहले बक कॉइल को निकाल लें, और निकालने के बाद आप ये गेस करें कि कौन सा लाइन जो है शॉर्ट बता रहा है, पावर सेक्शन का लाइन से शॉर्ट बता रहा है या बक कॉइल जो सीपीयू में बक लाइन का जाता है वो उस बेस का शॉर्टिंग है, जिससे आपको ये आसानी हो जाएगा कि हमें पावर आईसी चेंज करना है कि सीपीयू को रिवॉल्व करना है या फिर चेंज करना है, ये सारे चीज़ है। तो कभी भी इस तरह का अगर आपके पास इशू आता है, केस आता है, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मैंने जो है ये निकाल चुका है, मैं निकाल लिया हूँ पावर आईसी, और फिर जो है इसमें हम लोग दूसरी डालेंगे, दूसरा पावर आईसी। देख सकते हैं इसमें काम हुआ है, इसमें ऑलरेडी पहले से काम हुआ है। तो अभी इसका क्लीनिंग का टाइम है, तो फ्रेंड मैं क्लीनिंग के लिए जस्ट आयरन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सारे बॉल जो हैं क्लीन करने के लिए मैं इस तरह जम्पर वायर जो होता है हमारा, इसको कट करके मैंने ये टुकड़ा छोटी सी टुकड़ा लिया है, और इसको फिर 320 पे हम लोग SMD का टेम्परेचर सेट करेंगे, या 320 या 30 पे, और उसके बाद जो है
इसको SMD के मदद से हम क्लीन करने कर लेंगे। आप चाहें तो रोजीन का हेल्प ले सकते हैं, ये रोजीन है। रोजीन में पहले हम इसको थोड़ा जम्पर वायर को डाल लेंगे और इसके बाद इसको इस तरीक़ा से हम क्लीन करेंगे। इससे सारे बॉल के जितने बेस हैं वो बहुत अच्छे जो है एक समान हो जाते हैं। ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ पावर आईसी या जो भी आईसी हो उसको बैठाने के लिए, CPU MMC मैं यूज़ करता हूँ। इससे क्या होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बॉल जो हैं उनका पैड लाइन का जो ये ब्लू है, ग्रीन ब्लू है लेयर है, वो निकल चुका है। इसका वजह यही है कि लोग आयरन का दबा के ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करते हैं या फिर जंपर वायर ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बॉल के बेस हैं उनके जो ग्लू है, ग्रीन ग्लू ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा यूज़ करता हूँ जंपर वायर। और ध्यान रखें फ्रेंड, इसमें एयर टेम्परेचर जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 320 या 330, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके बोर्ड डैमेज हो सकते हैं। तो मैंने ये क्लीन कर लिया और इसमें समय भी बहुत कम लगता है उसको। उसके बाद ये इसे हम क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन हो चुका है, सारे बॉल एक समान हो चुके हैं। तो ये जो भी टेक्नीशियन जो काम किया है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये पैड लाइन जो है इनके ब्लू जो है ग्रीन ब्लू ओपन हो चुके हैं, निकल चुके हैं, क्योंकि ये बंदा जो है डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल करके या आयरन से अधिक प्रेशर के साथ इसको क्लीन किया है, जिसकी वजह से। इसलिए मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ जम्पर वायर का टुकड़े का और इसे क्लीन करता हूँ, जिससे हमारा बॉल का प्रिंट जो ग्रीन ग्लू है वो ओपन नहीं होता, निकलता नहीं। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं बक कॉइल को। फ्रेंड ये पेस्ट है, मैंने इसको सिरिंज में, ये 5-6 रुपए के सिरिंज आते हैं, इसमें मैंने डाल लिया। इससे क्या होता है कि हम जितना आवश्यकता है उतना ही हम प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। आसानी भी होता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आप यूज़ करके बहुत ही काम आसान कर सकते हैं। मेरे से जितना बनता है मैं अपना एक्सपीरियंस उतना शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड मेरा बक कॉइल लग चुका है और मेरे पास ये पावर आईसी है जो मैंने
एक सेट से निकाला है और 6357 CRV इसका मॉडल है आप देख सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं इस सेट में, शायद काम कर जाए क्योंकि मीडियाटेक का एक खासियत है ये बहुत जल्दी जो है ख़राब होता है निकालने के टाइम, ये हीट को जो है बिल्कुल सहन नहीं करता। तो खैर अभी देखते हैं, मेरे पास नया था लेकिन अभी ख़त्म हो चुका, तो इसको लगा के फिर देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ग्लू हम इसमें डाल के ऐसे मिला लेते हैं और उसके बाद जो है, और इस पावर आईसी को लगाने का जो है फिक्स करने का मैंने टेम्परेचर सेट किया है 330 और एयर है 60 पे। हाँ, और एक चीज़ और फ्रेंड, हमेशा आप ध्यान दें कि इस साइड से बक लाइन के साइड से हमें नहीं लगाना है, हमें हीट जो है इधर से देना है क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत जल्दी बक लाइन जो है शॉर्ट हो जाते हैं इससे, तो मैं इस साइड से यूज़ करता हूँ। हीट कभी भी अप्लाई इस साइड से करता हूँ जिधर हमारे बक लाइन नहीं है। ध्यान है साइड साइड से बिल्कुल हीट देना है। आईसी पे डायरेक्ट ना जाए, इनडायरेक्टली हीट होनी चाहिए। साथ में ये साइड के जो हमारे कंपोनेंट है कैपेसिटर है इनको ट्रेस करते रहना है कि ये मेल्ट हुए कि नहीं, ताकि इसे ये पता चलता है कि हमारा सारे बॉल पावर आईसी के अंदर मेल्ट हो चुके हैं। थोड़ा पेस्ट डालेंगे इसमें, साइड साइड के कंपोनेंट यदि मेल्ट हो जाए तो आप फाइनली एक थोड़ा सा यहाँ टच दे सकते हैं, फाइनल टच, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो आईसी लग चुकी है। तो अभी फ्रेंड इसको जो है थोड़ा ठंडा होने देते हैं और कूल होने के बाद फिर इसका हम चेक करेंगे कि हमारे बक लाइन भी सारे जो है ठीक ठाक हैं कि नहीं। फिर से वही तरीका हम अपनाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, चाहे कोई सा भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद ऐसे क्लीनिंग कर देते हैं। तो ये हमारा पावर आईसी था फ्रेंड जो मैंने निकाला था। अभी मल्टीमीटर का रीडिंग हम एक बार देखेंगे, हमारा मल्टीमीटर का क्या रीडिंग है।
सारे वर्क कॉइल्स को हमें चेक करना है। इसमें 294 के आसपास आ रहा है, 0.41 ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो बीप है ये गर्म है, लेकिन 019 है, 020 यानी बढ़ रहा है, ये 21 हो गया, 22 हो गया, यानी ये शॉर्ट नहीं है, ये हमारा रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट आ रहा है, यानी कि ये सही है। ये 291 करके आ रहा है, ये भी हमारा सही है, और ये हमारा शॉर्ट बता रहा था, आप देख सकते हैं 302 बता रहा है, यानी ये भी हमारा सही है। ये जो आप देख सकते हैं इतना, ये सारे हमारे लाइन ये ठंडा हुआ तो 034 यानी रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस सीपीयू वाइज होते हैं, सीपीयू हर सीपीयू में थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली यही 034-32 करके फाइनल होते हैं। अभी हमारा सारा चीज़ डन हो चुका है, अब एक बार हम इसको फिर से शॉर्टिंग देख लेंगे, बैटरी कनेक्टर पे क्या शॉर्टिंग है। तो ठीक है, 961 यानी शॉर्टिंग नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली अभी टाइम हो गया है कि हम चेक करें हमारा सेट हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेंड मैं ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़े बहुत जानकारी मेरे से मिली हो इस वीडियो से, तो आपके पास यदि इस तरह के सेट आते हैं कोई भी, तो आप इस तरह से ट्रेसिंग करें, और ट्रेसिंग कर अब आप देख सकते हैं कि फ्रेंड ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। आप बिल्कुल देखेंगे ये MI लिखा हुआ है, और चार्जिंग भी शो करने लगा। तो फ्रेंड इसमें पहले से ऑलरेडी काम किया हुआ था, जो कि कोई टेक्नीशियन भाई जो है ऑलरेडी काम किए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या था कि ये सक्सेस नहीं हुआ सेट। तो फ्रेंड कभी भी सिस्टमेटिक तरीके से आप वर्क करोगे, जैसे मैंने पावर आईसी को ट्रेस किया कि इसमें कैसे पावर आईसी मैंने ट्रेस करके निकाला कि इसके बक कॉइल शॉर्ट हैं, फिर मैंने बक कॉइल शॉर्ट होने का टेस्टिंग किया, कैसे उसको फाइंड आउट करें सीपीयू था कि पावर था। तो आई होप वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। इस तरह से आप ट्रेसिंग करोगे, आपका समय भी बचेगा, काम भी होगा, और आप पैसा भी कमाओगे, और प्लस सिस्टमेटिक वे में वर्क करोगे, जिससे आपका काम आसान होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक बना के रखेंगे और जानकारी के साथ अभी वर्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं टच वगैरह सारे इसके वर्क कर रहे हैं, सारा चीज़ इसमें साउंड वगैरह सब A to Z ओके है। तो फ्रेंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, आपके लाइक करने से क्या जाता है यार, लाइक कर दो मेरे भाई, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि औरों को पता चले कि हमारा कैसे सिस्टमेटिक वे में काम होता है और कैसे पावर आईसी चेंज करते। तो इस वीडियो में हमने फ्रेंड सीखा कि कैसे पावर आईसी हमने चेंज किया। तो और भी हमारे वीडियो आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा संडे को वीडियो बनाऊँ। इंस्टाग्राम है, लिंक डाल दूँगा, आप इंस्टाग्राम में जाके वहाँ ट्राई कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं मेरे से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप चैट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।